की बड़ी खबर के साथ अहम खबर आपको बता दें, आज तक के पास दाऊद पर भारत के डॉजियर की कॉपी है, एक्सक्लूसिव कॉपी। एनएसए लेवल की बातचीत में इसी डॉजियर को पाकिस्तान को सौंपा जाएगा। इस डॉजियर में दाऊद के पाकिस्तान में होने के तमाम सबूत मौजूद हैं। डॉजियर में दाऊद के 9 ठिकानों का जिक्र है। ये सभी ठिकाने पाकिस्तान के हैं, इनमें से ज्यादातर पते कराची की हैं। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक दाऊद की पहुंच है, वहां पर भी दाऊद का ठिकाना है। डॉजियर में दाऊद के 3 नहीं बल्कि 4 पाकिस्तानी पासपोर्ट का लेखा जोखा मौजूद है। डॉजियर में दाऊद के अलावा उसकी पत्नी, बेटे, बेटी और भाइयों के पासपोर्ट की भी डिटेल है, परिवार की डिटेल मौजूद है। ये सभी पासपोर्ट पाकिस्तान के ही हैं। आज तक को हाथ लगी भारत के डॉजियर में तमाम पासपोर्ट के नंबर भी मौजूद हैं, लेकिन इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि इस्लामाबाद में भी दाऊद का पता है। इससे पहले तक जानकारी ये आती थी कि कराची में दाऊद का ठिकाना है, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि इस्लामाबाद में भी दाऊद का ठिकाना मौजूद है। ये तमाम सबूत ऐसे हैं जो दाऊद की पाकिस्तान में मौजूदगी के पुख्ता संकेत देते हैं, पुख्ता जानकारी देते हैं। और पासपोर्ट की अगर बात करें तो अब तक हमेशा ये जानकारी समझ में आती थी बाहर की 3 पाकिस्तानी पासपोर्ट दाऊद के पास है, लेकिन इस डॉजियर में 4 पाकिस्तानी पासपोर्ट होने की बात कही गई है। और इसके साथ साथ उन पासपोर्ट्स के नंबर भी मौजूद हैं और परिवार के भी पासपोर्ट हैं पाकिस्तान के, जिनके नंबर इस डॉजियर में मौजूद हैं। मेरे साथ न्यूज रूम से इस वक्त मेरे सहयोगी अशोक सिंघल जुड़ गए हैं। अशोक जी, यहाँ पर एक बात साफ है, इतने पुख्ता संकेत इससे पहले शायद किसी भी और जानकारी में नहीं थे। एक्सक्लूसिव कॉपी जो आज तक के पास है, एक तरफ तो ये मौजूदगी का इशारा पुख्ता तौर पर करती है, दाऊद वहाँ पर है, इस्लामाबाद तक उसकी पहुँच है, ये बात इसमें साफ है। अब सवाल ये उठता है कैसे ये डॉजियर तैयार किया गया और क्या कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त आपके पास है? देखिए, मेरे पास डॉजियर की पूरी कॉपी है जिसमें तमाम चीज़ें बताई गई हैं। 9 ठिकाने हैं, अभी तक 2-3 ठिकानों की बात होती थी दाऊद के पाकिस्तान में, इसमें 9 ठिकानों की डिटेल है इस डॉजियर में, जो कि पाकिस्तान को सौंपने की तैयारी कर रहा है भारत। पूरा दाऊद के ऊपर एक डॉजियर तैयार किया गया है। 7 पते उसके कराची के हैं, 2 पते इस्लामाबाद के हैं। 9 के 9 जो पते हैं उसमें इसकी पूरी डिटेल है। और अभी तक 3 पासपोर्ट की बात आती थी, 4 पासपोर्ट दाऊद इब्राहिम के नाम से जारी किए गए हैं और उनकी फैमिली के पासपोर्ट भी हैं, उनके जो बेटियाँ हैं 2, उनका बेटा है, भाई हैं 2, उनके तमाम डिटेल्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 9 ठिकाने पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम ने बना रखे हैं, जहां पर वो समय समय पर जाता आता रहता है, एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने, तीसरे ठिकाने, अपने ठिकाने बदलता रहता है। और 9 के 9 ठिकानों की भारत के पास पुख्ता जानकारी है और पाकिस्तान में प्रेजेंस होने की पूरी जानकारी इसमें इकट्ठा की गई है भारत की ओर से, जो पाकिस्तान के साथ NSA लेवल टॉक्स में भारत उनको मुहैया कराएगा। बिल्कुल। और यहाँ पर इसके अलावा जानकारी ये भी है कि किस तरह से दाऊद को भारत लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। ऐसे में इस डॉजर में इस बात के भी उल्लेख किया गया कि कैसे दाऊद को पकड़ा जाए, कैसे उसे वापस लाया जाए, इस पर क्या कुछ जानकारी इसमें दी गई है? देखिए, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, UAE के साथ है और सऊदी अरेबिया के साथ है। लेकिन पुर्तगाल के साथ जब अबू सलेम को भारत लाया गया था, उस वक्त पुर्तगाल के साथ भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं थी, बाद में ट्रीटी हुई थी। लेकिन कई बार 2 कंट्री आपस में म्यूचुअली जब एग्री करती हैं किसी भी आतंकी या क्रिमिनल को सौंपने को लेकर के, तो उसमें जब एक दूसरी कंट्री के द्वारा पुख्ता सबूत दिए जाते हैं तो उसके बाद वो कॉल ले सकती है दूसरी कंट्री। जैसे दाऊद इब्राहिम का मामला है, तो पाकिस्तान पर जब डॉजियर दिया जाएगा भारत की ओर से और पुख्ता सबूत दिए जाएंगे कि इस गुनाह में वो शामिल है और ये पाकिस्तान में होने के पुख्ता सबूत है, तो एक कंडीशन के साथ पाकिस्तान दाऊद को सौंप सकता है या कोई भी दूसरी कंट्री एक कंट्री को सौंप सकती है। पुर्तगाल में भी यही हुआ था, अबू सलेम को लेकर कंडीशन लगाई गई थी कि आप उनको फांसी की सज़ा नहीं दे सकते हैं, तब भारत ने ये स्वीकार किया था और अबू सलेम को यहाँ भेजा गया था। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो नहीं थी लेकिन भारत को सौंप दिया था। तो ये तमाम चीज़ें उल्लेख की गई हैं, इसीलिए ये डॉजियर तैयार किया गया कि दाऊद को लेकर के क्या क्या सबूत भारत के पास है, किन किन गुनाह में वो शामिल हैं और किस ढंग से उसके वहाँ पे पते हैं और उनकी पूरी फैमिली पाकिस्तान में होने के पूरे सबूत दिए गए हैं ताकि उनको सौंपा जाए। ये मांग भारत समय समय पर करता रहा है और इस NSA लेवल की मीटिंग में भी डॉजियर देने का यही एक कारण रहा है और यही एक मकसद है।
बिल्कुल। और इस बीच अपने दर्शकों को हम ये जानकारी भी दे दें कि 6 साल पहले आज तक ने वो तस्वीर जारी की थी जो दाऊद की उस वक्त की ताज़ा तस्वीर थी, वो भी पासपोर्ट पर वो तस्वीर थी। और इसके बाद अब इस डॉसियर की कॉपी हमारे पास है जो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें दाऊद के 9 पते हैं, कराची में उसका ठिकाना है, साथ ही साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी दाऊद के ठिकाने हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब तक जानकारी ये आती थी कि दाऊद के पास 3 पासपोर्ट हैं, लेकिन अब 4 पासपोर्ट होने की जानकारी मिल रही है। पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर तक मौजूद हैं, परिवार के बारे में डिटेल इस डॉजियर में मौजूद हैं। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि भारत किस तरह से पाकिस्तान पर इस डॉजियर को लेकर दबाव बनाएगा। अशोक जी, यहाँ पर एक बात साफ है, इससे पहले जब कसाब पकड़ा गया था, रंगे हाथों उसे पकड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने उसे अपना नागरिक मानने से इनकार किया कर दिया। तमाम डॉजियर उस टाइम भी उस पाकिस्तान को उपलब्ध कराए गए थे। सेम बात, एक जैसी बात नावेद पर भी एप्लीकेबल होती है। नावेद के बारे में जानकारी भारत ने पाकिस्तान को दी है और इस बारे में अपना हमेशा इसके ऊपर अपना ऑब्जेक्शन भी रेज किया है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से पाकिस्तान इस डॉजियर की, भारत इस डॉजियर के आधार पर कैसे अपनी बात को और आगे ले जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाएगा। देखिए, इसीलिए सबूत इकट्ठा किए गए हैं दाऊद को लेकर के, उनके पासपोर्ट नंबर है, उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल है, उनके फोन कॉल्स हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, बैंक अकाउंट है उनकी पूरी फैमिली का। ये भारत ने पिछले काफ़ी समय से इकट्ठा किया है। ये भारत पाकिस्तान को दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान ने उसको वहाँ पे नागरिकता दे रखी है, पाकिस्तान ने उनको वहाँ बसा रखा है, और क्योंकि वो भारत के अंदर क्रिमिनल है। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि दाऊद वहाँ पर रहता है। कौन दाऊद है ये हमेशा से कहते रहे हैं, पाकिस्तान कभी ये नहीं माना कि वो पाकिस्तान के अंदर रहता है। इसीलिए पाकिस्तान को ये सबूत इकट्ठा करके भारत दे रहा है कि वो उनको सौंपा जाए। और ये जो डोजियर तैयार किया गया, इसी मकसद से तैयार किया गया है NSA लेवल की मीटिंग में, क्योंकि मोदी सरकार आने के बाद ये माना जा रहा था कि दाऊद को भारत लाया जाएगा। हमेशा से ये सरकार कोशिश करती रही है, इलेक्शन के दौरान भी मोदी ने इस बात के संकेत दिए थे, लेकिन भारत का हमेशा प्रयास रहा है कि दाऊद को भारत लाया जाए, क्योंकि मुंबई ब्लास्ट के अंदर वो शामिल रहा है, मेन अभियुक्त रहा है। तो ये डोजियर का मकसद यही था कि तमाम पुख्ता सबूत पाकिस्तान के सामने पेश किए जाएँ, कि ये सबूत जो हैं दाऊद के बारे में ये साबित करते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है। बिल्कुल। अब एक बात यहाँ पर जाहिर है कि पाकिस्तान ने कभी ये नहीं माना कि दाऊद पाकिस्तान में मौजूद है। वहीं दूसरी बात ये भी है कि जितने स्पेसिफिक इनपुट्स इस डॉजियर में दिए गए हैं, उसको देखते हुए ये देखना भी ज़रूरी होगा कि कैसे भारत इसे आगे लेकर जाएगा, क्योंकि अगले महीने न्यूयॉर्क में जब UN की बैठक होगी और उस बैठक में जब भारत हिस्सा लेगा, जिसका जिक्र सरताज अजीज़ ने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि हम इस मुद्दे को लेकर आगे जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, मुद्दे को लेकर बिल्कुल जाएंगे। दाऊद की जहाँ तक बात है, भारत ने हमेशा से कड़ा रुख रखा है, और लेकिन पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करता नहीं करता, ये बड़ी बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान चाहे वो नवेद का मामला हो, चाहे दूसरे आतंकियों का मामला हो, कभी उन्होंने ये नहीं माना कि वो पाकिस्तान में के लोग हैं, कभी नहीं माना इस चीज़ को लेकर के। हमेशा से उल्टा भारत को टारगेट करता रहा है कि वो ब्लेम करता है, ब्लेम पॉलिटिक्स करता है, हम खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं। लेकिन जहाँ तक दाऊद की बात है, दाऊद को लेकर भी कभी नहीं माना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव कहीं ना कहीं भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव दाऊद को लेकर के जो डिप्लोमेटिक प्रेशर्स हैं उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए। लेकिन द्विपक्षीय वार्ता हमेशा चाहता है कि भारत की द्विपक्षीय वार्ता के थ्रू मसलों को सुलझाया जाए, और जो NSA लेवल की टॉक्स है, इसमें भी जो दूसरे मसले हैं, आतंकवाद का मुद्दा है या दाऊद का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, भारत चाहता है कि उनको एड्रेस किया जाए, और दाऊद का मुद्दा भी उनमें से एक है। बिल्कुल। और यहाँ पर यह भी कहना होगा कि दाऊद सिर्फ भारत का दुश्मन नहीं, बल्कि उसे एक ग्लोबल टेररिस्ट माना जाता है। रेड कॉर्नर नोटिस उसके लिए जारी हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि अगर रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो गया है, तो जब तक पाकिस्तान में उसको लेकर कदम नहीं उठाए जाएंगे, तो ये बात आगे कैसे बढ़ेगी या इस पर आगे कैसे और कोई कदम उठाए जा सकेंगे। अब यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जिस तरह से अशोक डॉजियर में ये सब कुछ मेंशन है, ये सब लिखा गया है कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है, ऐसे में कैसे दाऊद पर शिकंजा कसा जाए। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की सरजमी पर है, तो वहाँ पर जब तक पाकिस्तान ये बात कबूल नहीं करता कि दाऊद वहाँ मौजूद है, तो ग्लोबली अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी जो बनाने की कोशिश होगी, वो भी कुछ हल्की पड़ती नज़र आती है। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान को कन्विंस कराना पड़ेगा और पाकिस्तान को ये मानना पड़ेगा कि दाऊद वहाँ पर रहता है। यही इसी दिशा में, इसी कोशिश के लिए भारत ने ये डोजियर तैयार किया है, और ये डोजियर पहले भी कई सबूत देता रहा है दाऊद को लेकर के। 2012 में भी होम सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स में भी भारत ने दाऊद का मुद्दा उठाया था कि दाऊद पाकिस्तान में रहता है और दाऊद को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो क्रिमिनल घोषित किया गया, उसके ऊपर आरोप है मुंबई ब्लास्ट के अंदर। समय समय पर भारत इस बात को लेकर पाकिस्तान को कहता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस बात को नहीं माना है। एक बार फिर, क्योंकि नई सरकार आई है, मोदी सरकार है, मोदी सरकार भी चाहती है कि दाऊद को लेकर मुद्दा
उनके सामने रखा जाए और पूरे सबूत पाकिस्तान के सामने दिए जाएँ ताकि पाकिस्तान इस बात को माने कि दाऊद वहाँ पर रहता है और जबकि दाऊद भारत से भागा हुआ है। उस दबाव के चलते कहीं ना कहीं दाऊद को भारत को सौंपे, तो ये कोशिश है भारत की ओर से समय समय पर डोजियर तैयार करने की, उसके खिलाफ पुख्ता सबूत तैयार करने की ताकि पाकिस्तान को कन्विंस कराया जा सके। बिल्कुल, भारत की तरफ से ये डोजियर तैयार किया गया है जो साफ तौर पर ये संकेत देता है कि दाऊद पाकिस्तान में मौजूद है, और सिर्फ संकेत नहीं बल्कि स्पेसिफिक इनपुट्स के साथ। दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, एक तरफ जो डोजियर भारत ने तैयार किया है जिसमें दाऊद के खिलाफ वो तमाम सबूत मौजूद हैं जो ये बात की गवाही देते हैं कि दाऊद पाकिस्तान में मौजूद है, और दूसरी तरफ देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी पूरी हो चुकी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, एनएसएस स्तर की जो बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच होनी है इस बातचीत को लेकर वो जानकारी इसमें दे सकती हैं। इससे पहले आज दोपहर करीब 1:30 बजे पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पाकिस्तान का रुख साफ किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिना किसी शर्त के हम भारत जाने को तैयार हैं लेकिन कश्मीर का मुद्दा हमारे एजेंडे में शामिल होगा। अब उम्मीद ये की जा रही है कि भारत का इस पर क्या पक्ष होगा, जो इससे पहले अलग अलग बयानों में जाहिर किया ही गया है, चाहे विदेश मंत्रालय ने जाहिर किया हो या फिर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज साफ तौर पर बयान दिया हो कि बातचीत सिर्फ आतंकवाद के मसले पर होगी, इसके अलावा ना तो कोई तीसरा पक्ष शामिल होगा और ना ही कोई और मुद्दा होगा। कुछ ही देर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, इस पर भी हमारी नज़र लगातार बनी हुई है।